बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? क्या आप भी तुखम मलंगा को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा? क्या आपको भी मार्केट में यह आसानी से नहीं मिल रहा? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मार्केट में ये आपको काफी किस्म के मिल जाएंगे, लेकिन अमूमन ये दो ही किस्म के देखने को मिलेंगे। एक को कहते हैं तुखम रेहान और एक को कहते हैं तुखम बालंगो। दोनों की अपनी अपनी अलग खूबियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही आपका वजन कम करता है, दूसरे का वजन कम करने में कोई रोल नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला आपका वजन कम करने में फायदा देता है और इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, ताकि आप अपना वक्त और पैसा दोनों को जाया होने से बचा सकें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके उनका भला कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान। ये आपके सामने दो किस्म के बीज रखे हुए हैं। एक है तुखम बलंगो, पंजाबी में इसे तुखम मलंगा कहते हैं और इंग्लिश में चिया सीड्स, और दूसरे बीज है तुखम रेहान, इसे इंग्लिश में बासिल सीड्स कहते हैं। ये तुलसी के बीजों की एक किस्म में से होता है, इसे सब्जा के बीज भी कहा जाता है। तुखम मलंगा साइज में लंबे होते हैं, ये जीरे की शक्ल के लंबे लंबे बीज होते हैं, थोड़े ब्राउन और थोड़े काले। ये तासीर में गर्म तर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ तुखम रेहान गोल शेप में होते हैं और तुखम बलंगा से छोटे होते हैं। इसकी तासीर गर्म खुश्क होती है। तुखम बलंगों में प्रोटीन की भरपूर मिकदार शामिल होती है, जो कि आपका वजन कम करने में मदद करती है। लेकिन इसका खास तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने इसे रात में पानी में भिगोया और सुबह उठकर निहार मुंह पी लिया, इससे वजन कम नहीं होगा। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपका वजन कम होगा। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों बीजों को पानी में भिगा हुआ भी दिखा देती हूँ। तुखम बलंगा पानी में देर से फूलता है और तुखम रेहान फौरन ही फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये लंबे लंबे बीज जो आपको नजर आ रहे हैं वो है तुखम बलंगो, और जो गोल गोल नजर आ रहे हैं वो है तुखम रेहान। सीधे हाथ में आप देख सकते हैं वो है तुखम बलंगो, और जो उल्टा हाथ है ये आप देख सकते हैं ये है तुखम रेहान। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि तुखम रेहान कौन सा है और तुखम बलंगो कौन सा। अब बात करते हैं वजन कम करने की। तो वजन कम करने में तुखम रेहान का कोई रोल नहीं है, यानी ये जो गोल वाले बीज हैं इनसे वजन कभी भी कम नहीं होगा। ये बीज मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये जो लंबे वाले बीज हैं जिसे तुखम बलंगो कहते हैं, ये वजन कम करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन एक खास तरीके से आप ये लेंगे तभी आपका वजन कम होगा, और वो खास तरीका ये है कि इसे आपने ऐसे ही खाना है, और वो भी सिर्फ आधा चम्मच निहार मुंह, चाय वाला आधा चम्मच आप ये खाएंगे और इस पर नीम गरम पानी पी लेंगे। यानी जितनी गरम आप चाय पीते हैं उतना ही गरम आपने इस पर पानी पी लेना है। आधे चम्मच से ज्यादा आपने सुबह नहीं खाना और आधा चम्मच आपने शाम के टाइम खाना है, और फिर से इस पर नीम गरम पानी पी लें। पूरे दिन में एक चम्मच से ज्यादा आपने ये नहीं खाना, आधा आधा चम्मच करके दो टाइम खाएं और फिर इस पर नीम गरम पानी पी लें। फिर देखिएगा आपका वजन कितनी तेजी से कम होता है। एक महीने में आपका वजन 10 किलो आराम से कम हो जाएगा, अगर आप इसके साथ डेली वॉक करने को अपना मामूल बना लेंगे और साथ ही साथ जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि असली तुखम बलंगो कौन सा है और इससे तेजी से वजन कैसे कम होता है। तो अब मुझे इंतजार है आपके एक्सपीरियंस का। तो जल्दी जल्दी अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठाएं। लाइक बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई कर लें और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। चलें अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।